अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। हाँ बच्चों, इसमें आज इस वीडियो में हम मोशनल ईएमएफ जो है उसको स्टडी करेंगे। मोशनल ईएमएफ, MOTIONAL, मोशनल। अब ये मोशनल ईएमएफ क्या होता है कि देखिए, आप जानते हैं कि हमेशा ही किसी करंट लूप में, किसी कॉइल में करंट इंड्यूस होती है जब एक चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स उसको क्रॉस करें, और वो फ्लक्स हम चेंज करवा सकते हैं बी यानी स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, वो चेंज करके एरिया ऑफ द कॉइल इन कंटैक्ट विद द मैग्नेटिक फील्ड, जो एक्चुअल एरिया है कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड में, उसको चेंज करवा के, एंड कॉस ऑफ एंगल, एंगल बिटवीन द नॉर्मल टू द कॉइल एंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये चेंज करवा के। तो इन तीन फैक्टर्स में से किसी एक फैक्टर को चेंज कीजिए तो फ्लक्स चेंज हो जाएगा और ईएमएफ इंड्यूस होगा। इस पूरे में अगर हम इस तरह से करेंगे कि हम एक इस कॉइल जो है, इस कॉइल को ही मूव करवाएंगे, ठीक है, तो इस कॉइल को अगर हम मूव करवाएंगे इस तरह से ताकि जो एरिया, एक्चुअल एरिया ऑफ द कॉइल इन कंटैक्ट विद द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, वो चेंज हो जाए, यानी जो एरिया है कॉइल का वो चेंज हो जाए। कौन सा एरिया? जो इस कॉइल का एरिया है इन कंटैक्ट विद द फील्ड लाइंस, अगर वो एरिया चेंज हो जाए तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस कॉइल को मान लीजिए यहाँ से पुल करना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा बाहर कर दिया। तो जब हम इस कॉइल को बाहर कर देंगे तो मान लीजिए ये इस तरह से जब मैग्नेटिक फील्ड में है, तो अगर ये कॉइल अब यहाँ आ जाती है, जब हम इसको खींचेंगे तो क्या होगा, ये देखें, पहले ये कॉइल कहाँ है, ए, मैं इस तरह से लिखूंगा, पी क्यू आर एस। तो ये कॉइल पहले है पी क्यू आर एस, और पूरा ये मैग्नेटिक फील्ड में है। ये देख लीजिए, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो यहाँ पर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द कॉइल है, और वो मैग्नेटिक फील्ड हमने डिनोट किया है इन क्रॉस मार्क से। ये क्रॉस मार्क जो यहाँ पर हमने लगाए हुए हैं, इनका मतलब ये है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस कर रहा है इस कॉइल को परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, यानी इसके पूरे एरिया को मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस कर रहा है। ये पूरी कॉइल जो है, इसका जो भी एरिया है वो मैग्नेटिक फील्ड में है। लेकिन जब आपने इस कॉइल को इधर खींचा तो ये जो पी एस साइड है ये यहाँ पर आ गया। ये देखिए, ये जो डॉटेड लाइन मैंने डाल दी है, जब आप इस कॉइल को खींचेंगे इस तरह से बाहर तो ये पी एस शिफ्ट होके इधर जाएगा, इधर पहुँचेगा। मैं इसकी नई पोजीशन को लिखूंगा पी डैश एस डैश। ये क्यू एंड आर साइड जो है, जब आप इसको पुल करके यहाँ ले जाएंगे तो ये क्यू एंड आर यहाँ पहुंच जाएगा, यहाँ पर जो मैंने डॉटेड लाइन डाल दी है, इसका नाम रखूंगा मैं क्यू डैश आर डैश। यानी एक्चुअल कॉइल हमारे पास जो एक्चुअल पोजीशन थी कॉइल की, वो क्या थी, पी क्यू आर एस। अब जो ये कॉइल है ये कहाँ पर है, इसकी एक्चुअल पोजीशन क्या है, इसकी एक्चुअल पोजीशन अब है, जब हमने इसको बाहर की तरफ खींचा तो इसकी पोजीशन है पी डैश क्यू डैश आर डैश एस डैश। यानी ये कॉइल है, इसको पुल किया ये यहाँ आ गई, और ये पी एस साइड जो है ये इधर पहुंच गया पी डैश एस डैश पर, और जो ये क्यू आर साइड था जब हमने इसको पुल किया इधर, तो ये क्यू आर पहुंच गया इधर क्यू डैश आर डैश पर। टोटल में ये पहली पोजीशन, ओरिजिनल पोजीशन जो कॉइल की है वो ये है, और नई पोजीशन जो कॉइल की है वो ये है जो मैंने डॉटेड लाइन से दिखाई है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा सीधा ड्रा करेंगे इस तरह से, वीडियो में फिर भी टेढ़ा ही दिख रहा है। ठीक है, अब ये इस तरह से, अब अगर हम देखें कि जब हमने इसको पुल किया तो पहले भी इसको एक फ्लक्स क्रॉस कर रहा था, जब हम इसको पुल करके बाहर ले जाएंगे तो उतना फ्लक्स अब क्रॉस नहीं करेगा। देख लीजिए क्यों, क्योंकि यहाँ पर पूरा एरिया जो कॉइल का है वो मैग्नेटिक फील्ड में है। अच्छा, ज़रा देखते हैं कितना फ्लक्स इसको क्रॉस करेगा जब ये कॉइल इस पोजिशन में है पी क्यू आर एस। तो इस पोजीशन में इसको जो फ्लक्स क्रॉस करेगा, मैं उसका नाम रखूंगा फाई वन, और उसका वो फ्लक्स होगा बी ए, ठीक है,
कॉस ऑफ थीटा लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर एंगल बिटवीन द नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द कॉइल, यानी ये अगर कॉइल है इस पर मैंने ये नॉर्मल डाल दिया है, ये परपेंडिकुलर, एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड नॉर्मल जो है एंगल बनाएंगे जीरो, तो कॉस 0 1 होता है, तो इसको जो इस वक्त फ्लक्स क्रॉस कर रहा है वो है बी ए। मगर अगर मैं ये साइड, ये पी एस, अगर मैं इसकी लेंथ रखता हूँ एल, और ये वाला साइड जो है यहां से यहां तक इसकी लेंथ में रखता हूं एक्स, ठीक है ना, तो ये फाई वन बनेगा बी इंटू एरिया, और वो एरिया बनेगा एल इंटू एक्स, तो मैं यहां पर एल इंटू एक्स लिखूंगा, भाई ठीक है कि नहीं। अब जब हमने इसको बाहर की तरफ पुल किया तो कॉइल कहां पहुंच गई, डॉटेड पोजिशन पर। जब ये डॉटेड पोजिशन पर पहुंच गई तो मैग्नेटिक फील्ड पूरी कॉइल को क्रॉस अब नहीं कर रहा है। अब देख लीजिए, जो मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस कर रहा था वो इस पूरी कॉइल को क्रॉस कर रहा था, लेकिन अब इसका एक पोर्शन जो है वो आउटसाइड द मैग्नेटिक फील्ड है। कौन सा पोर्शन? ये वाला पोर्शन, इतना इतना कॉइल तो बाहर आ गया, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस पोर्शन में है, और इस पोर्शन में जब कॉइल पूरी की पूरी थी, शाबाश, तो इसका पूरा एरिया था इन कॉन्टैक्ट विद द मैग्नेटिक फील्ड। मगर जब आपने इस कॉइल को इधर खींचा तो ये वाला पोर्शन, मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा ड्रॉ करूँगा, इस तरह से दिखाऊंगा, ये वाला एरिया जो है कॉइल का, ये तो मैग्नेटिक फील्ड के बाहर आ गया, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो सिर्फ इस पोर्शन में है, इस पोर्शन इधर मेरे हाथों के दरमियान, इस पोर्शन में जब तक कि ये कॉइल थी तो पूरा इसको मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस कर रहा था, पूरे एरिया को। मगर जब हमने इस कॉइल को बाहर खींच दिया, खींचा, तो इसका कुछ पोर्शन मैग्नेटिक फील्ड के बाहर आ गया, और अगर आप देखें इसकी पूरी लेंथ अभी भी एल है, लेकिन जो अब इसकी, शाबाश, जो अब इसकी क्या है, विड्थ है, जो इसकी विड्थ किस में है, मैग्नेटिक फील्ड में। पहले वो कितना विड्थ, कितनी विड्थ इसकी मैग्नेटिक फील्ड में थी, इतनी पूरी एस आर, अब कितना इसका मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, अब ये इतना ही मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, एस डैश और ये आर, ये क्योंकि ये पोर्शन तो बाहर है ना। देखिए यहां से लेकर एस डैश से लेकर यहां से लेकर यहां तक पूरा एक्स है, यहां से लेकर यहां तक भी एक्स है। पहले ये पूरा एक्स कहां था, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। अब जब आपने इसको पुल करके इधर पहुंचा दिया तो क्या हो गया, इस एक्स में से ये यहां से यहां तक का पोर्शन जो है वो बाहर चला गया, बाकी रहा ये। अगर ये पोर्शन जो बाहर है डेल्टा एक्स है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब जो एरिया इस अब जो एरिया इस कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड में है वो इतना ही एरिया है। कौन सा एरिया मैग्नेटिक फील्ड में है, अब पी डैश क्यू आर एस डैश, ये वाला एरिया मैग्नेटिक फील्ड में है, और ये वाला एरिया जो है ये मैग्नेटिक फील्ड के बाहर है। जो मैग्नेटिक फील्ड के बाहर है उसकी विड्थ है डेल्टा एक्स, ठीक है ना, तो यहाँ वो जो बाकी बचा उसकी विड्थ क्या है, एक्स माइनस डेल्टा एक्स। लेंथ कितनी है, लेंथ अभी भी एल है, तो जो फ्लक्स इस कॉइल को इस वक्त क्रॉस करेगा वो फ्लक्स होगा फाई टू इज इक्वल टू बी, क्योंकि स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं हुई, लेंथ ऑफ द कॉइल ये भी चेंज नहीं हुई, लेकिन ये एक्स पूरा अब मैग्नेटिक फील्ड में नहीं है। फिर कितना मैग्नेटिक फील्ड में है, एक्स के बदले मुझे क्या लिखना होगा, यहां पर एक्स के बदले मुझे लिखना होगा एक्स माइनस डेल्टा एक्स। ये जो x माइनस डेल्टा x है वो ये पोर्शन है, और यही पोर्शन यहां से यहां तक की जो विड्थ है ये मैग्नेटिक फील्ड में है, और एरिया ऑफ दिस कॉइल क्या बनेगा, अब लेंथ इंटू x माइनस डेल्टा x, लेंथ l इंटू शाबाश x माइनस डेल्टा x, क्योंकि ये विड्थ अब x नहीं है, x माइनस डेल्टा x है, और यही एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट है इन द मैग्नेटिक फील्ड। देखिए पूरा एरिया जब मैग्नेटिक फील्ड में था तो आपने लिखा कितना एरिया मैग्नेटिक फील्ड में है, ए, तो क्या उसका वो क्या किसके बराबर है, एल इंटू एक्स, यहाँ से एल यहाँ से एक्स। लेकिन जब आपने कॉइल को बाहर खींचा तो इसकी लेंथ अभी एल तो अभी भी मैग्नेटिक फील्ड में है, लेकिन एरिया अब कॉइल का, जो कॉइल का एरिया पोर्शन मैग्नेटिक फील्ड में है वो इतना बड़ा पोर्शन है, और उसका एरिया क्या है, एल इंटू दिस, तो ये कितना है, ये है एक्स माइनस डेल्टा एक्स। तो मैं क्या लिखूंगा एरिया के बदले, बी, तो बी ही लिखूंगा, एरिया के बदले क्या लिखूंगा, एल, और एक्स के बदले एक्स माइनस डेल्टा एक्स। ये नया एरिया है, अब ये नया फ्लक्स है जो इसको क्रॉस कर रहा है, पहले से ये कम है, दिस इज फाइनल फ्लक्स। मगर चेंज इन फ्लक्स कितना आएगा, वो आएगा फाई टू माइनस फाई वन, दिस इज डेल्टा फाई, दिस इज चेंज इन फ्लक्स।
तो ये चेंज इन फ्लक्स अगर आप देखें, दिस इज डेल्टा फाई। जब आपने इस कॉइल को बाहर खींचा तो चेंज इन फ्लक्स तो वो है फाई टू। शाबाश, फाई टू का वैल्यू क्या है? अब वो है बी एल एक्स माइनस डेल्टा एक्स, फिर माइनस फाई वन, तो इसका मतलब माइनस बी एल इंटू एक्स। अगर आप इसको शाबाश सिंप्लीफाई करेंगे, यहां से आएगा बी एल एक्स, यहां से है माइनस बी एल एक्स, दोनों कैंसिल होंगे, फिर ये बी एल और ये डेल्टा एक्स मल्टीप्लाई होगा, बस वही बचेगा यहां पर माइनस बी एल इंटू डेल्टा एक्स। बस ये आपका चेंज इन फ्लक्स है। यानी फ्लक्स क्यों चेंज हो गया? मैग्नेटिक फील्ड से ट्रंक चेंज नहीं हुई, सिर्फ एरिया इन कॉन्टैक्ट विद द फील्ड लाइन चेंज हो गया, विद द कॉइल चेंज हो गया। क्यों? एरिया ऑफ द कॉइल इन कॉन्टैक्ट विद द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वो चेंज हो गया। क्यों? क्योंकि आपने इस कॉइल को बाहर की तरफ खींचा और इसका पूरा एरिया मैग्नेटिक फील्ड में नहीं है, पहले पूरा एरिया किसमें था? मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है ना। तो आपने जो ये फ्लक्स चेंज करवाया वो आपने इस वक्त एरिया को चेंज करने की वजह से इसका फ्लक्स चेंज हो गया है, ठीक है। एरिया ऑफ द कॉइल इन कॉन्टैक्ट विद द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वो चेंज हो गया, उसकी वजह से यहाँ पर फ्लक्स चेंज हो गया है, ठीक है। अब आपने जब इसको खींचा बाहर तो ये चेंज इन फ्लक्स आ गया, सपोज ये किसी टाइम में आ गया डेल्टा टी, ठीक है ना। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स क्या बनेगा? तो ये रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स बनेगा डेल्टा फाई डिवाइड बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू शाबाश माइनस बी एल डेल्टा एक्स डिवाइड बाई डेल्टा टी। मैंने बोथ साइड डेल्टा टी से डिवाइड किया इस इक्वेशन को तो मुझे ये मिला। तो मगर ये जब मैंने डिवाइड किया डेल्टा टी से तो ये बन गया रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। बट रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स अकॉर्डिंग टू फैराडे व्हाट इट इज इक्वल टू ईएमएफ। तो इसमें आपके बाहर खींचने से क्या हो गया? एरिया चेंज हो गया, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, एरिया ऑफ द कॉइल, एरिया ऑफ द कॉइल इन कॉन्टैक्ट विद द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वो चेंज हो गया, शाबाश। और उसे फ्लक्स चेंज हो गया, उसकी वजह से इस कॉइल में करंट इंड्यूस हो गई, ईएमएफ इंड्यूस हो गया, और ये जो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स है वो इंड्यूस्ड ईएमएफ के बराबर है। सो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? ई इज इक्वल टू शाबाश माइनस बी एल। ये डेल्टा एक्स बाई टी क्या है जरा बताइए। देखिए जब आपने यहाँ से इसको इस तरफ खींचा तो इस कॉइल ने इस पोजीशन से यानी ये क्यू आर पोजीशन से कहाँ पर पहुँच गई? यहाँ पर क्यू डैश आर डैश तक। तो कितनी डिस्टेंस ट्रैवल हो गई डेल्टा एक्स? कितने टाइम में? डेल्टा टी। तो ये क्या बनेगा? ये तो स्पीड बनेगा, जिस स्पीड से आपने इसको बाहर खींचा एक डायरेक्शन में बोलेंगे तो फिर आप कह सकते हैं कि जिस वेलोसिटी से आपने इसको बाहर खींचा तो आप डेल्टा एक्स डिवाइड बाई डेल्टा टी के बदले भी लिख सकते हैं। लिहाजा आपका जो ये ईएमएफ है, ये ईएमएफ किसके बराबर है? माइनस बी एल वी। और इस ईएमएफ को हम मोशनल ईएमएफ कहते हैं, ठीक है। तो ईएमएफ इंड्यूस्ड इन ए कॉइल व्हेन द कॉइल इज पुल्ड आउट और इन। जब आप इसको बाहर खींचे और अंदर लाए तो जब आप कॉइल में मूवमेंट दे दे, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द प्लेन बिटवीन द कॉइल एंड द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इस एरिया को जब आप चेंज करते जाए, जिस वेलोसिटी से आप इसको चेंज करेंगे, जिस स्पीड से इसको आप खींचेंगे, जिस स्पीड से ये कॉइल बाहर जाएगी या अंदर आएगी, तो ये ईएमएफ जो है ये उसी स्पीड पर डिपेंड करेगा। ये बी यहाँ पर कॉन्स्टेंट है स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एल भी कॉन्स्टेंट ही रहता है और आप देख रहे हैं ये वी पर डिपेंड करता है। तो देखिए अगर आप बहुत तेज़ी से इसको बाहर करते हैं तो फ्लक्स भी बहुत ज़्यादा चेंज होगा। तो आप जानते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स जब ज़्यादा होता है ईएमएफ इंड्यूस्ड ईएमएफ भी ज़्यादा होता है। तो इसीलिए यहाँ पर ये हमें मिला कि यहाँ इंड्यूस्ड ईएमएफ वेलोसिटी या स्पीड पर डिपेंड करेगा, जिस स्पीड से आपने इस कॉइल को खींचा है। और एक बात और कि अगर आप इसकी डायरेक्शन निकालना चाहें तो आप बेहतर होगा कि आप वहाँ पर फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल जो है वो अप्लाई करें, लेंजेस लॉ और फ्लेमिंग्स लेफ्ट राइट हैंड रूल से आपको डायरेक्शन ऑफ दिस ईएमएफ मिलेगी, जिसको आप इंड्यूस्ड ईएमएफ कहते हैं। थैंक यू।